सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने प्लस वन में भी किया था। जब दो वेव्स हैं, दो या दो से ज़्यादा वेव्स हैं आपस में मिलती हैं, और कुछ ऐसे मिलती हैं मिलने के बाद नई वेव क्रिएट हो जाती है, सच दैट जो डिस्प्लेसमेंट है पहली वेव की वो वाई है या वाई वन है, दूसरे की वाई टू है। मिलने के बाद जो नई वेव है उसकी पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो वेक्टर रूल फॉलो करती है, वाई वेक्टर इक्वल टू वाई वन वेक्टर प्लस वाई टू वेक्टर। इसको समझने के लिए काम करते हैं, जैसे एक क्रेस्ट है, क्रेस्ट अगर क्रेस्ट पे गिरेगा तो बड़ा क्रेस्ट आएगा, ऐसे ही क्रेस्ट अगर ट्रफ पे गिरेगा तो दे विल कैंसल ईच अदर, बिकॉज पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसको और बेटर समझते हैं, मान लो एक पार्टिकल है ये यहाँ पे पी, मान लो एक पार्टिकल है, सपोज ये पार्टिकल यहाँ लेते हैं पी, ये पी और ये पी, ये रहा पी, ठीक है। तो पी पार्टिकल है, इमेजिन करो एक रस्सी है, किसी ने यहाँ से क्रेस्ट जनरेट किया, उधर से भी क्रेस्ट जनरेट किया, दोनों क्रेस्ट आ रहे हैं, क्रेस्ट आ रहे हैं, हुआ क्या, दोनों मान लो इकट्ठे पी में एंटर कर गए, तो ये पार्टिकल अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर है, इसकी डिस्प्लेसमेंट 3 सेंटीमीटर है, तो जैसे ही पी में एंटर करेंगे इसकी डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद कहानी खत्म नहीं हुई, वेव इसमें से आगे क्रॉस कर जाएंगी, पार्टिकल फिर बैठ जाएगा जैसे था, और ये वाली वेव जो 3 सेंटीमीटर की है अब वो इधर चली जाएगी और 2 सेंटीमीटर वाली इधर चली जाएगी। ये है सुपरपोजिशन। पॉइंट समझ में आ रहा है, ये इंस्टेंटेनियस चलता है, तो किसी इंस्टेंट पर अगर इसने कहा कि 3 सेंटीमीटर, इसने कहा 2 सेंटीमीटर, तो मिलके 5 सेंटीमीटर, और उल्टा भी हो सकता है, एक क्रेस्ट आ रहा है ट्रफ आ रहा है, क्रेस्ट ऑफ ट्रफ जब उल्टे आएंगे, ये देखो यहाँ से आ रहे हैं, तो मान लो ये 3 है, मान लो ये 2 आ रहा है, तो जैसे ही पी में एंटर करेंगे सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही ऊपर जाएगा। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, क्लियर है यहाँ तक। इसके बेस पे जो टॉपिक है उसका नाम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट।